हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का स्वागत है मैं चैरबी टेक में। और दोस्तों जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है वो आप सभी जानते हो कि फ्लैगशिप एक ऐसे स्मार्टफोन होते हैं जो कि अपना जो R&D का खर्चा भी स्मार्टफोन में जोड़ते हैं, और अपना जो मतलब कि स्मार्टफोन इतने प्रीमियम क्वालिटी वाले बनाते हैं कि जो बाकी स्मार्टफोन नहीं बना सकते। तो दोस्तों जैसे कि वो हमेशा इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं, वो अपने जो न्यू न्यू इन्वेंशन या फिर कुछ न्यू न्यू जो क्वालिटीज़ होती है उसको सर्टिफाइड करके काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन बन जाते हैं। दोस्तों जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं उसमें हमेशा ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि बहुत ही अच्छे कैमराज होते हैं, बहुत ही अच्छे जो प्रोसेसर्स होते हैं, बहुत ही अच्छी रैम का यूज़ किया जाता है। दोस्तों जो अगर आप बात कर रहे हो बजट रेंज की या फिर मिड रेंज की, वो कभी भी बराबरी नहीं कर सकता। अगर आप बात कर रहे हो फ्लैगशिप किलर की, तो डेफिनेटली मैं इस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो इसकी अगले वीडियो में देख सकते हो। तो दोस्तों जो अगर आप बात कर रहे हो कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों फ्लैगशिप स्मार्टफोन आपके सामने आज की डेट में सबसे बड़े ऑप्शन बन के आते हैं आईफोन या फिर सैमसंग। दोस्तों मार्केट में काफ़ी अलग स्मार्टफोन्स भी है, जैसे कि अगर आप कैमरा की ओर जाना चाहते हो तो आपको गूगल के स्मार्टफोन देखने को मिलता है। अगर आप थोड़ा मतलब कि सस्ता स्मार्टफोन लेना चाहते हो और काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हो, तो आप जो ओनर का मेट है उसकी ओर भी जा सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगे स्मार्टफोन, तो आप फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो, आई बटन में उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन्स मार्केट में देखें तो जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है वो काफ़ी कम बिकते हैं, अगर बिकते हैं तो ऐसे बिकते हैं जैसे कि कोई नॉर्मल आदमी उसे नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसका प्राइस काफ़ी हाई होता है। और इंडिया में लगभग हर एक साल काफ़ी ज़्यादा लोग थोड़े थोड़े सेविंग करके स्मार्टफोन की ओर जाते हैं। दोस्तों अगर आप इतने महंगे स्मार्टफोन को इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको स्मार्टफोन की ओर जाना नहीं चाहिए। दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन ये लेना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको उस स्मार्टफोन की क्या यूज़ है। अगर जब तक आपको उस स्मार्टफोन की यूज़ नहीं करनी आती, मतलब कि आपको कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं चाहिए जिसमें कि आपको कोई इशू आए, तो आप जा सकते हो स्मार्टफोन की ओर। डेफिनेटली इसमें भी कहीं ना कहीं इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं जिसमें कि आपको कुछ ना कुछ इश्यूज़ नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन ये इशू मतलब कि सबसे जल्दी और सबसे फास्टेस्ट वे में सबसे जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप ऐसे स्मार्टफोन की ओर जाना चाहते हो जिसमें कि आपको सबसे जल्दी 5G देखने को मिले, तो आपको 7 सितंबर तक वेट करना पड़ेगा आईफोन में अगर आपको 5G देखने को चाहिए, क्योंकि 7 सितंबर में आप सही जानते हो कि 7 सितंबर के दिन लॉन्च करता है स्मार्टफोन आईफोन हमेशा ही। और इस बार 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने के सबसे मैक्सिमम जो चांसेस है, क्योंकि दोस्तों साउथ कोरिया में 5G लागू हो चुका है, वहाँ पर मतलब कि 5G के पूरे टेस्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस बार जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा तो 5G सबसे जल्दी वहीं पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों हर एक चीज़, कुछ भी न्यू चीज़ आती है तो वो हमेशा ही जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन हमेशा ही मार्केट में इसलिए पॉपुलर रहते हैं क्योंकि उसके बराबर कोई स्मार्टफोन नहीं होता। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आ जाती है कि लोग अपने जो किडनी, लीवर या फिर अपने बॉडी पार्ट बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों एक स्मार्टफोन है कभी भी रिटायर हो सकता है, मतलब कि कभी भी आउट टू डेट हो सकता है। फ्रेंड्स इस टाइप के स्मार्टफोन्स हमेशा आते रहेंगे, जैसे कि फ्लैक्सी स्मार्टफोन हर साल आते रहेंगे। आपको अपना बॉडी पार्ट कभी भी किसी स्मार्टफोन के लिए नहीं या फिर किसी भी चीज़ के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बॉडी पार्ट आपके लिए लाइफ में काफ़ी बड़ी रोल निभाते हैं इन मटेरियल चीज़ों से। दोस्तों आप जैसे कि अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो पहली बात आपको स्मार्टफोन की ओर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए मेरे चैनल बीटेक, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।